नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा वन प्लस का नोट जो लॉन्च होने वाला है उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा, लुक वाइज कैसे दिखता है वो भी बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहे और देखते जाएँ। सबसे पहले मैं मोबाइल का लुक दिखा देता हूँ कि लुक कैसा है, कि आप जैसे देख सकते हैं कि आपका जो लुक है तो लुक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। देख सकते हैं आप, ये आपका फ्रंट से हो गया और ये बैक से हो गया, साइड से हो गए दोनों, और ये आपको ऊपर से इतना दिखता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन दिख रहा है। और इसकी प्राइस की बात करें, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है तो 28,000 है और 26 जुलाई को ये लॉन्च होगा इंडिया पे। और इसका डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इसको मीडिया टेक, इसमें आपको मिलेगा मीडिया टेक 1200 का MT6893 प्रोसेसर का रहेगा और 6GB रैम के साथ आपको रहेगा। 6GB और 12GB रैम में भी आपको उपलब्ध रहेगा। इसके बाद आपको इंटरनल स्टोरेज 128GB रैम के साथ मिलेगी और 4500mAh की बैटरी के साथ मिलेगा। और ये फ़ोन आपको 5G को सपोर्ट करेगा। और कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा जो आपका होगा मेन कैमरा तो 50 MP का होगा, फिर इसके बाद 8 MP 2 MP का कैमरा मिलेगा और 32 MP का फ्रंट कैमरा रहेगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.43 इंच के डिस्प्ले मिलेगी, जो आपका 16.33 सेंटीमीटर की स्क्रीन रहेगी और एंड्रॉयड 11 के साथ आपको मिलेगा। तो चलते पूरी जानकारी आपको देते हैं और क्या क्या है इसमें। इसमें आपको लॉन्च डेट जो है 26 जुलाई है। इसमें आपका वेट की बात करें तो वेट आपका जो है तो 189 ग्राम का है और फेस लॉक आपको इसमें मिलता है। कलर्स आप देख सकते हैं, जो कलर्स आप पसंद आए वो कलर्स आप ले सकते हैं। चिपसेट की मैंने बता चुका हूँ कि चिपसेट आपको कौन सा मिलता है। सीपीयू की बात करें तो इसमें सीपीयू काफ़ी अच्छा सीपीयू दे रहा है, 3 GHz का 3 GHz का सीपीयू सिंगल कोर का मिल रहा है, जो कि आपको काफ़ी फास्ट फ़ोन रहेगा और ये आपको 64 बिट्स पे भी रहेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स आपको G77MC9 आपको मिलेगा और एंड्रॉयड आपको बता ही चुका है कि 11 रहेगा और कस्टम UI डला रहेगा, जो आपका ऑक्सीजन OS रहेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज आपकी 128GB और 6GB रैम के साथ हो गए। आप बाहर से मेमोरी इसमें नहीं लगा सकते हैं, यदि आप लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद साइज़ की बात करें तो साइज़ आपकी बता ही चुका हूँ। इसमें आपको फ्यूल्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है फ्यूल्ड एमोलेड डिस्प्ले। रेजोल्यूशन की बात करें 1080x2400 पिक्सल का आपका इसमें रहेगा और इसमें पंच होल डिस्प्ले रहेगा, जो आपके सामने साइड में आपको कॉर्नर साइड में आपको मिलेगा कैमरे में। और कलर्स की बात करें तो कलर्स आपको 16 मिलियंस कलर्स है। आपको इसमें आपका कलर्स में थोड़ा कम है, आपको इसमें MI का फ़ोन जो आया तो उसमें बिलियन में आपको कलर्स मिलते हैं और इसमें आपको मिलियन में कलर्स मिलते हैं। दोनों कलर्स में आपको डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा। बॉडी टू रेशियो की बात करें तो आपको 85 आपको परसेंटेज जो है तो 85.59 आपको परसेंटेज मिलेगा। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 409 पिक्सल पर डेंसिटी PPI पे आपको मिलेगा। सेंसर आपको देख सकते हैं, CMOS सेंसर आपको मिलेगा। फ्लैश की बात करें तो रियल डुअल फ्लैश आपको मिलेगा। ट्रिपल कैमरा और कैमरे की जानकारी मैं आपको दूं, मेन कैमरा आपका रहेगा जो तो 50 MP का रहेगा, 8 MP का वाइट एंगल रहेगा और अल्ट्रा वाइट एंगल आपको जो मिलेगा 2 MP का मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की बात करो तो फ्रंट कैमरा आपको जो है तो 32 MP का रहेगा, जो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आपका जो है तो कैमरा फीचर्स को ऑटो फोकस रहेगा, ऑटो फोकस भी रहेगा, फ्लैश रहेगा और फेस को ऑटो फोकस कर लेगा। ये सब कुछ आपको जो मिलेगा इसमें शॉर्ट मोड में आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे मोड आपको मिल जाएंगे। HDR को भी सपोर्ट करेगा। डिजिटल जूम की बात करो तो डिजिटल जूम 10x है और इमेज के स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है OSI आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। वीडियो आप इसमें 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पूरी तरह से। स्पीड चार्जिंग आपको जो है तो 30 मिनट में 100% चार्ज क्लेम करती है कंपनी, आप जितना चार्ज करती है वो भी चेक हो जाएगा। और इसके बाद आपका 4500mAh की बैटरी मिलती है और 65 वाट का आपका चार्जर मिलता है। USB आपको सपोर्ट करता है, डुअल सिम आपको सपोर्ट करती है 5G को। काफ़ी अच्छा फ़ोन से हॉटस्पॉट भी आपको मिलता है। इसके बाद सी टाइप आपको इसमें चार्जिंग मिलता है और हेडफोन आप जैक नहीं लगा सकते, 3.5 जैक आपको सी टाइप में ही यूज करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट की बात करें तो ऑन स्क्रीन में आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। इसके बाद
आपको स्पीकर मिलते हैं, आपको सिंगल स्पीकर मिलते हैं, डॉल्बी स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। और जैक की बात करो तो जैक आपको USB-C टाइप में ही जैक आपको लगा के यूज करना पड़ेगा। तो फोन्स में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।